दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे कि अगर चलती ट्रेन के ट्रैक पर अचानक से कुछ आ जाए तो ड्राइवर चाहकर भी ट्रेन को नहीं रोक सकता। लेकिन जानते हैं क्यों? अगर नहीं जानते तो जान लो। दरअसल दोस्तों, ट्रेन के अंदर लोको पायलट और गार्ड ही वो दो लोग होते हैं जो गाड़ी में ब्रेक कब लगानी है ये फैसला करते हैं। असल बात यह है कि किसी ट्रेन को 150 किलोमीटर की स्पीड से चलाना तो आसान है, लेकिन मुश्किल काम ब्रेक लगाना है, और इस तरीके से लगाना कि ट्रेन सही जगह पर रुक सके। दरअसल दोस्तों, ट्रेन में ब्रेक लगाना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई ट्रेन ड्राइवर किसी भी रीजन से ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तब ब्रेक के पाइप में हवा का प्रेशर कम होने लगता है और ब्रेक शू पूरी ताकत के साथ ट्रैक से रगड़ खाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी ट्रेन 800 से 900 मीटर तक चलने के बाद ही पूरी तरीके से रुक पाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगा भी दे तो भी वो ट्रेन को इंस्टेंट नहीं रोक सकता।